ये सिलेबस कॉपी कर लो, ठीक है, और उसके बाद से चैप्टर्स के अपने फर्स्ट नंबर सीट पे चले आओ। मैं कुछ बातें तुम लोगों को बता देता हूँ, एकदम जो स्मॉल स्मॉल थिंकिंग्स है इसमें तुम लोगों को पढ़ना है, आएगा टॉपिक्स तुम लोगों को, ये सब देख लो एक बार, और उसके बाद हम लोग बिगिन करते हैं सम्स करना। देखो सबसे पहले तो शेयर्स का मतलब आप लोग जान लो। शेयर्स का मतलब होता है कंपनी का टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी का टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी का टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना। उस स्मॉल डिनोमिनेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल शेयर का डेफिनेशन है जो आपको लिखने का भी आने वाला है नहीं। उसके बाद शेयर्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या आपको शीट में, पहले ही शीट में लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर होता है और प्रेफरेंस शेयर होता है। तो हम लोगों का सम्स जो आएगा उसमें ऐसा भी रहेगा, जब आप रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स चैप्टर आप लोगों का है तो उस समय आपको इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़ना होगा, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर ये जो है हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर जो है इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इस पहले चैप्टर में हम लोगों का सिर्फ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर नहीं पढ़ना है, हमें इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़ना है, समझ गए ना। अपना पहला चैप्टर क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इसमें सिर्फ आप ये नहीं समझोगे कि हमें इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर पढ़ना है, हमें इसमें इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़ना होगा। प्रेफरेंस शेयर के कितने सारे टाइप है उधर लिखा हुआ है, लेकिन ये सब बातें आप जान लो, टाइप्स नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। आप लोग देखो ऑथराइज्ड कैपिटल किसको बोलते हैं, कंपनी का मैक्सिमम शेयर कैपिटल होता है, इससे ज्यादा कंपनी कभी भी अपने ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर से ज्यादा वैल्यू का शेयर्स मार्केट में कभी भी कंपनी इशू नहीं कर सकता है, ये इसका हाईएस्ट कैपिटल होता है, मैक्सिमम कैपिटल होता है। दूसरा आपका इशू कैपिटल। अब ऐसा है ना, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, मेरे कंपनी का शेयर्स का टोटल ये कितना लिखा हुआ है, 20 लाख। अब बताना कितना लिखा हुआ है, 2 करोड़ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान दो। अब हमारी कंपनी का हर एक शेयर का प्राइस है, मैं इक्विटी शेयर अभी ले रहा हूँ समझाने के लिए, मेरे कंपनी का हर एक इक्विटी शेयर का प्राइस है ₹10। तो टोटल मेरे कंपनी में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, अगर मैं इस अमाउंट को, दिस इज माय ऑथराइज्ड कैपिटल, कौन सा कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल है, 20 लाख रुपया और 10 रुपया करके हमारी कंपनी का शेयर का दाम है। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारी कंपनी में कितना है, 20 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। अब इस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में ऐसा तो कोई नेसेसिटी नहीं है कि टोटल 20 लाख का 20 लाख इक्विटी शेयर ही हम मार्केट में इशू कर देंगे, ऐसी कोई नेसेसिटी तो है नहीं। अभी तो नहीं, उसमें बैठो, चालू कर दो, जगह नहीं है ना, एक बार बैठो, मैं चालू कर देता, एक बार बैठो, रिकॉर्डिंग चालू करते हैं, एक बार बैठो, मैं आता हूँ पास में। देखो यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोगों का कितना है, 20 लाख। अब 20 लाख इक्विटी शेयर्स में ऐसी तो कोई नेसेसिटी नहीं कि पूरा का 20 लाख का 20 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में इशू कर दिया जाएगा। जो इसका प्रमोटर था, जैसे मान लो मैं इस कंपनी का अगर प्रमोटर हूं, तो 8 लाख इक्विटी शेयर तो मैंने खुद परचेज कर रखा है अकेले, 20 लाख इक्विटी शेयर से इसमें से 8 लाख इक्विटी शेयर मैंने परचेज कर लिया है, और उसके बाद कंपनी में बचेगा कितना इक्विटी शेयर, 12 लाख। 12 लाख इक्विटी शेयर में 2 लाख इक्विटी शेयर है जो हमारे रिलेटिव और फ्रेंड लोगों ने परचेज कर लिया है, उनको हमने परचेज करवा दिया है। अब बाकी 10 लाख इक्विटी शेयर्स मैं मार्केट में इशू करने वाला हूं, जहां से मैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू मार्केट में इशू करूंगा और वहां से मैं मनी कलेक्ट करने वाला हूं। तो यहां से अगर मैं 10 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करता हूं तो कितना रुपया हमारे को जनरेट होगा, यहां से 1 करोड़ रुपया जनरेट होगा, 100 लाख रुपये जनरेट होगा इतना शेयर्स इशू करने से। ऐसे शेयर्स को, ऐसे मनी को हम लोग क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल बोलेंगे, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। देखो वहां पर आपका नंबर दिया हुआ था, इशूड कैपिटल द शेयर कैपिटल विच इज ऑलरेडी इशूड। तो ऑलरेडी इशूड हमारा कितना है, 10 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपया के रेट से 1 करोड़ रुपया ये जनरेट करेगा, ठीक है। 2 मिनट तुम लोग रुक जाओ, आता हूं।
हम लोगों का इशूड कैपिटल कितना हम लोगों ने बताया यहाँ पर, टोटल कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल है 20 लाख रुपया, ठीक है, और 10 रुपया शेयर्स का दाम है, तो टोटल हमारे पास 20 लाख इक्विटी शेयर है। 20 लाख इक्विटी शेयर में हमने प्रोस्पेक्टस के थ्रू मार्केट में नॉर्मल पब्लिक के लिए कितना शेयर्स इशू किया, 10 लाख शेयर्स इशू किया 10 रुपया के रेट से, तो 10 लाख रुपया हम लोगों ने कलेक्ट किया, 1 करोड़ रुपया हम लोगों ने कलेक्ट किया। ओके, उसके बाद से आपका वहां पर थर्ड नंबर पॉइंट है नॉन इशूड कैपिटल, ठीक है ना। नॉन इशूड कैपिटल कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। हमारे कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल था 20 लाख रुपया, है ना, सॉरी 2 करोड़ रुपया। हमारे कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 2 करोड़ रुपया, और हमारे कंपनी का इशूड कैपिटल है 1 करोड़ रुपया। अगर इस 2 करोड़ रुपये में से 1 करोड़ रुपया माइनस कर देंगे तो नॉन इशूड कैपिटल हमें पता चल जाएगा। नॉन इशूड कैपिटल भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया। देखो वहां पर आपका ऐसे ही कुछ करके लिखा हुआ है, ऑथराइज्ड कैपिटल माइनस इशूड कैपिटल, नंबर 3 पॉइंट पे पेज नंबर 1 पे। उसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल विच इज ओरिजिनली एक्सेप्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, अब इसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। अभी मैंने 3 टर्म एक्सप्लेन किया है, एक बार तुम लोग बोल दो, हम लोगों का कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 2 करोड़ रुपया, कंपनी का इशूड कैपिटल कितना है, 1 करोड़ रुपया, और ऑथराइज्ड माइनस इशूड कैपिटल करने से हमें पता चल गया अनइशूड कैपिटल, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे, बता रहा हूं मैं, इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। हम लोगों का यहां पर इशूड कैपिटल है ₹1 करोड़, ये बात से एग्री हो, अभी अभी हम लोग लाए थे। अब 1 करोड़ रुपया के लिए अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा 10 लाख इक्विटी शेयर मुझे मार्केट में इशू करना पड़ेगा। 10 लाख इक्विटी शेयर्स हमने मार्केट में पब्लिक को इनवाइट किया, कंपनी क्या करता है, इनवाइट करता है कि आप आओ हमारे कंपनी का शेयर्स परचेज करो, ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर भेजता है। अब यहां पर सिर्फ 10 लाख इक्विटी शेयर्स का कंपनी ने इनविटेशन भेजा तो सिर्फ कंपनी में इंटरेस्टेड पीपल 8 लाख पीपल ही एप्लीकेशंस किए हैं कंपनी के पास, ठीक है। ये मेरा इशूड किया जाने वाला कैपिटल है 1 करोड़, है ना, 1 करोड़ रुपया है, 100 लाख, 1 करोड़ रुपया, और आपका 10 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए मैंने पब्लिक को इनवाइट किया था जिसमें से मेरे पास एप्लीकेशंस कितने आए थे, 8 लाख इक्विटी शेयर्स के एप्लीकेशंस आए थे। 8 लाख इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशंस अगर आएगा तो हमें ऑब्वियसली बात है कि इंडियन पीपल गरीब होते हैं, सबको पता है, तो एक बार में पैसे तो ये लोग देने वाले नहीं है 10 रुपया करके, तो हम लोग स्टेज वाइज पैसे लेते हैं, एप्लीकेशन का पैसा लेते हैं, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। आप लोग सम्स के पर्पस से 4 कॉल बनाए गए हैं, आप लोग जो सम्स करते हो ना कि सम्स पर्पस से आप लोग एक बार 3 रुपया करके अलॉटमेंट होता है, 2 रुपया करके एप्लीकेशन, ये रेट बदलते रहता है, कोई फिक्स नहीं है, फर्स्ट कॉल का अलग रेट होता है, फाइनल कॉल का अलग रेट होता है, लेकिन रियल लाइफ में, कंपनी के रियल लाइफ में ये 4 कॉल नहीं होते हैं, बहुत सारे कॉल होते हैं। कंपनी 50 पैसे करके, 75 पैसे करके, ऐसे करके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पे पैसे मांगती है, मतलब बहुत सारे कॉल पॉसिबल है, ठीक है। आप ये दिमाग में मत रख रहे कंपनी सिर्फ 4 ही कॉल करती है, ये तो सम सॉल्व करने के सहूलियत के लिए आपको 4 कॉल का सिस्टम बनाया गया है, समझे ना, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो 8 लाख इक्विटी शेयर से कंपनी को अगर 10 रुपया करके मिल भी जाएगा तो कितना रुपया मिलेगा, 80 लाख रुपया मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा। तो ये 80 लाख रुपीज को हम लोग बोलते हैं यहां पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब अगर पीपल ने हमारे पास क्या किया है, सब्सक्राइब किया, तो हमारे शेयर्स में कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब मतलब परचेज करने के लिए एप्लीकेशन भेजा, कितने लोगों ने भेजा है परचेज करने के लिए एप्लीकेशन, 8 लाख। 8 लाख लोग अगर हमें 10 रुपया करके देंगे फ्यूचर में, 10 रुपया करके देंगे तो टोटल हमारे कंपनी को 80 लाख रुपया मिलने वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये समझ में आ रहा है ना, इतने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब हम इससे अगर पूछ ले किसी बच्चे से, चलो आपसे पूछता हूं, यहां पर एक अगला नाम है 5 नंबर पॉइंट पे नॉन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, आपको दिखाई दे रहा है नॉन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नॉन सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना रुपया है, नॉन सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना रुपया है, डिफरेंस
एक करोड़ माइनस 80 लाख, 20 लाख रुपया नॉन सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। इस शेयर को कोई पूछने भी नहीं आया। माय डियर स्टूडेंट्स, और आपसे एक सवाल पूछता हूं, अनमोल शर्मा जी आप बताइए, ये जो यहां पर एप्लीकेशंस आ रखे हैं, इसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन, जितना हम इक्विटी शेयर देने के लिए एप्लीकेशन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं, उससे अगर कम एप्लीकेशन हमारी कंपनी को मिलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन यही कंपनी का हाईली डिमांडेड शेयर होता, कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी होती, लोगों को अपने डिविडेंड के तौर पे बहुत पैसे रिटर्न देती, तो अगर 10 लाख लोगों के लिए हमने इनविटेशन मतलब इनवाइट किया और कंपनी में 15 लाख लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया, तो फिर हम क्या करते हैं? शेयर्स देने के लिए कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट हमें करना पड़ता, ठीक है, रेशियो शेयर सेटअप करके उन्हें शेयर्स इशू करना पड़ता। अभी कुछ कुछ बच्चों को जब 12 में थे ना, तो बहुत ज्यादा इस चैप्टर पसंद ही नहीं आता था, मतलब अच्छा नहीं लगता था देखकर, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, सबको ये पसंद आएगा, ठीक है, देखना थोड़े से समय के बाद आपको बहुत पसंद आएगा। उसके बाद अब मैं आगे पढ़ता हूं, मैं अभी तक जो पॉइंट्स लिखे गए 10 पॉइंट वहां पे लिखे गए हैं, माय डियर स्टूडेंट्स 10 पॉइंट अभी तक हम 5 पॉइंट क्लियर कर सके हैं। उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है ना, ध्यान से सुनिए, अब इन 8 लाख इक्विटी शेयर होल्डर ने हमारे कंपनी में एप्लीकेशन भेजा। अब हमारा ये जो शेयर्स का दाम है, मैं इसे एक बार मिटा रहा हूं, शेयर्स का दाम है, इसको हमने 10 रुपया को 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन का रेट होगा, एपीपी लिखता हूं एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन का रेट होगा 3 रुपया, अलॉटमेंट का रेट होगा, अलॉटमेंट का रेट होगा 2 रुपया, फर्स्ट कॉल का रेट होगा 3 रुपया, और सेकंड या फाइनल कॉल का रेट होगा ये आपका 2 रुपया करके, ठीक है, समझे। तो चालाक कंपनी ऐसे ही रेट सेट करती है कि पहले 3 रुपया ज्यादा मांग लो, एक बार लास्ट में कहीं वेट करोगे नहीं भी देगा शेयर होल्डर्स, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर 3, 2, 3 और 2 करके कंपनी ने रेट सेट किया है, ये कंपनी रेट सेट करता है, हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें से ये कितने शेयर होल्डर्स थे? 8 लाख, 8 लाख शेयर होल्डर्स ने 10 रुपया, 80 लाख आने वाला था। तो कंपनी ने एप्लीकेशंस के समय तो खुद ब खुद लोग पैसा भेजते हैं, ये बात समझ में आ रहा है ना, जब कंपनी एप्लीकेशंस के लिए लोगों को, जिन जिन लोगों ने, कंपनी ने बोला था 10 लाख लोग हमारे यहाँ एप्लीकेशंस कर सकते हैं, एप्लीकेशन कितने लोगों ने किया? 8 लाख लोगों ने किया। तो बच्चों, कंपनी क्या करेगा, एप्लीकेशंस का ये पैसा कंपनी को कॉल करना पड़ेगा कि खुद ब खुद आ जाएगा कंपनी के पास? खुद आ जाएगा। जैसे आप लोग अभी मेरे यहाँ पढ़ने आए हो, ठीक है, 1 अगस्त है, पैसा ड्यू होगा आपके ऊपर, ड्यू होगा ना, तो आप जब ड्यू होगा तब मुझे आप पेमेंट करोगे, ड्यू पेमेंट, ये अलॉटमेंट से ड्यू और फिर पेमेंट का सिस्टम चालू होता है। फर्स्ट कॉल में ड्यू होता है फिर पेमेंट होता है, सेकंड कॉल में ड्यू होता है फिर पेमेंट होता है, ऐसे जितनी बार कंपनी कॉल करती है पैसा पेमेंट होते जाता है। लेकिन एप्लीकेशंस के समय कंपनी ड्यू नहीं करती है, कंपनी के पास डायरेक्ट एप्लीकेशंस करने वाले लोग पैसा एप्लीकेशन के साथ ही भेजते हैं 3 रुपया करके, ठीक है। तो ये मनी कभी अरियर्स हो सकता है क्या? एप्लीकेशंस का मनी अरियर कभी भी हो ही नहीं सकता है। अरियर्स का मतलब पैसा नहीं मिलना, समझ गए ना, पहले किसी का फी नहीं बाकी है ना, अरियर्स नहीं है ना, ठीक है, ठीक, कॉल सिनेरियोस, ठीक है, चलो अपने बाद में बात कर लेंगे। तो समझाने के लिए बोला, समझाने के लिए बोला मैं। तो ये बच्चों, एप्लीकेशंस का पैसा कभी भी कॉल सिन अरियर्स नहीं हो सकता, एप्लीकेशन भी जबकि एक तरह का कॉल होता है, ठीक है। अब यहां पर तो सभी लोग, यहां पर कंपनी 8 लाख शेयर्स का 3 रुपया करके 24 लाख रुपीज तो कंपनी के पास एप्लीकेशन के दिन आ जाएगा। अब कंपनी के पास अंडर सब्सक्रिप्शन हो रखा है, 10 लाख शेयर्स है और 8 लाख लोगों ने एप्लीकेशंस किया है, तो क्या ऐसा होगा कि कंपनी किसी शेयर होल्डर्स को कम कम करके शेयर्स देगी? जितना लोगों ने जितना के लिए एप्लीकेशंस किया उतना शेयर्स उनको दे दिया जाएगा, समझ में आ रहा है ना, मतलब लोगों ने 8 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस किया तो 8 लाख पूरा शेयर उनको अलॉट कर दिया जाएगा। अब आती है बारी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट इज अ टाइप ऑफ कॉल जहां पर कंपनी खुद पैसा मांगेगी, 8 लाख इक्विटी शेयर होल्डर से 2 रुपया के रेट से कंपनी उनके ऊपर ड्यू करेगी, कितना रुपया? 16 लाख रुपया ड्यू करेगी। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल जो होता है यह इशूड कैपिटल का ही एक हिस्सा होता है। इसको
कॉल्ड अप कैपिटल, इसको हम लोग बोलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? अब एक बात देखो, कंपनी का अनकॉल्ड कैपिटल कितना है, फिर कंपनी ने क्या किया, इसमें पैसा ड्यू किया, सारा का सारा पैसा कंपनी को रिसीव हो गया, अलॉटमेंट का भी सारा पैसा उसके रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स लोगों ने दे दिया। इसके बाद आता है फर्स्ट कॉल की बारी, ठीक है। फर्स्ट कॉल की जब बारी आई तो कंपनी 8 लाख शेयर्स के ऊपर फिर से 3 रुपया के रेट से, 8 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपया के रेट से कितना रुपया हो जाएगा, 24 लाख। इतना पैसा कंपनी को फिर से मिल गया। ऐसी कोई जरूरी तो नहीं है ना कि जितना कंपनी का रेट सेट है सारा पैसा कंपनी मांग लेगी। कंपनी अपना नेसेसिटी के हिसाब से पैसे मांगती है, जब जब उसको प्रोजेक्ट को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है तभी तभी शेयर होल्डर्स लोगों को ड्यू करती है और मनी रिसीव करती है। तो कंपनी अभी तक अपने शेयर्स के ऊपर 3 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया रिसीव कर चुका है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया, इसको 3, 2, 5 और 3, 8, 8 लाख इंटू 8 रुपया करके कितना होगा, 64 लाख होगा। ये 64 लाख रुपया भैया, इसको हम लोग बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। अब कंपनी बोला, अमीर कंपनी है तो कंपनी बोला अभी हमें पैसे की और जरूरत नहीं है, प्रोजेक्ट अपना अच्छा सब कुछ चल रहा है, कोई जरूरी नहीं कि मैं ये लास्ट का 2 रुपया मांगूंगा ही। कंपनी ड्यू ही नहीं किया तो इस कैपिटल को आप क्या बोलोगे, 8 लाख इंटू 2 रुपया अनकॉल्ड कैपिटल। क्या बोलोगे, अनकॉल्ड कैपिटल, मतलब जिस पैसे के लिए कंपनी ड्यू करता ही नहीं है और पैसे मांगता ही नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनकॉल्ड कैपिटल। तो कॉल्ड कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल आपको समझ में आ गया? नहीं, कभी मांगेगा क्यों नहीं, कभी ना कभी तो जरूर मांगेगा जब कंपनी को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरत होगा, ड्यूरिंग द ईयर नहीं मांगा। जैसे ड्यूरिंग द ईयर मान लो 2019 में कंपनी ने वह पैसा नहीं मांगा, बोला हमें 2020 में या 2021 में जरूरत पड़ेगा तब इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स से मैं उनको ड्यू करके मनी रिसीव कर लूंगा, फिलहाल एक ईयर में नहीं मांगा, तो एक ईयर का बैलेंस शीट तो कंपनी बनाएगा ना। जैसे अभी 1920 का कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाएगा, 1920 खत्म हो गया 31 मार्च 2020 को, तो 31 मार्च 2020 तक कंपनी ने सिर्फ अभी तक 3 रुपया, 2 रुपया और 3 रुपया, यानी 3, 2, 5 और 3, 8 रुपया करके मांगा था, 8 लाख शेयर्स पे 64 लाख रुपीज मांगा था कॉल्ड अप कैपिटल। और उस साल बैलेंस शीट बनाएगा तो कंपनी अनकॉल्ड कैपिटल तो अपने बैलेंस शीट में शो करेगा, कितना रुपया अनकॉल्ड कैपिटल शो करेगा, 8 लाख इंटू 2 रुपया करके 10 रुपया, तो पूरा शेयर्स का दाम उसको दिखाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो इसको बोलेंगे, इतना पार्ट को बोलेगा कॉल्ड अप कैपिटल और इस पार्ट को बोलेगा अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी तक हम लोग कितना पॉइंट तक, 7 नंबर पॉइंट तक आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है पेड अप कैपिटल, किसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल, भी बहुत आसानी से 1 सेकंड में आप लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए इसमें कंपनी ने एप्लीकेशंस में 3 रुपया रिसीव किया था, अभी वाले एग्जांपल में, मैं एक ही एग्जांपल से सारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पॉइंट्स को, ताकि सम्स करते वक्त आप लोग पूरा इजीली समझते रहोगे, डायरेक्ट सम्स से नहीं जाएंगे हम लोग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 8 लाख 3 रुपया मिल चुका है एप्लीकेशन के समय, 8 लाख शेयर्स का 2 रुपया अलॉटमेंट के समय मिल चुका है और 8 लाख शेयर्स का 3 रुपया करके कंपनी को मिल चुका है, ठीक है। 3 रुपया करके नहीं मिला, इसमें से क्या हुआ ना कि लास्ट बार जब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव हो रहा था, मैं थोड़ा एग्जांपल को बदल रहा हूं, यानी कि उसी का कंटिन्यूएशन है, तो 8 लाख रुपया के ऊपर 3 रुपया करके जब कंपनी ड्यू किया था तब सिर्फ 7,95,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स के ऊपर हमें क्या मिला था, पैसा मिला, और 5,000 शेयर्स का पैसा, 5,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा अरियर हो गया। अरियर हो गया मतलब शेयर होल्डर देने में इनकैपेबल हो गया, ठीक है। शेयर होल्डर्स देने में क्या हो गया, इनकैपेबल्स, इनकैपेबल जब शेयर होल्डर्स हो जाएगा तो उसको हम लोग अरियर्स होना बोलते हैं, ठीक है ना। देखो ध्यान से, मैं अब समझाने जा रहा हूं आपको, आपको बताओगे आप लोग, क्या 8 लाख शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन का 3 लाख रुपया मिला था? हाँ, आप लोग एग्री करोगे तभी मैं लिख पाऊंगा, 8 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके 24 लाख रुपया हमें मिला, बोलो हाँ, ओके। इसके बाद फिर 8 लाख इक्विटी शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट का सारा शेयर होल्डर्स लोगों ने पैसा दे दिया, तो ये भी लिख देंगे हम लोग, 8 लाख शेयर्स का 2 रुपया करके 16 लाख रुपया हमें मिल गया। तीसरी बार जब हमने ड्यू किया
तो एक शेयर होल्डर जो 5000 शेयर होल्ड करता था वो फेल कर गया पैसा देने में, यानी 7,95,000 शेयर होल्डर्स लोगों ने, 7,95,000 शेयर्स के ऊपर हमें 3 रुपया करके मिला, ये पैसा रिसीव हुआ। मैं रिसीव वाला पार्ट सिर्फ लिख रहा हूं, बताना 23,85,000। अब तीनों को ऐड कर दोगे तो बहुत मजा आ जाएगा, ऐड करके बोलना, मैं इतना ऐड करके बोल सकता हूँ, 40 लाख आएगा। देखो इसके बाद तुम लोग ऐड कर दो, 63,85,000 रुपीज। इसके बाद ये हुआ आपका पेड अप कैपिटल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेड अप कैपिटल। यही मैं अभी समझाने के लिए आपको पेड अप कैपिटल, देखो 8 नंबर पॉइंट में आपका लिखा हुआ है, सभी का मतलब आप समझो। देखो ये याद करके आपको कहीं नहीं बोलेगा कि डिफाइन पेड अप कैपिटल, डिफाइन इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि कब कौन से मनी को क्या बोलते हैं, ये माइंड में रखना आपको, ठीक है। तो वैसे भी आप लोग ध्यान से देखोगे, यहां पर 7,95,000 शेयर्स का 3 रुपया के रेट से इतना पैसा मिला, इसका मिला, इसका मिला, ये टोटल पैसा हो गया पेड अप, मतलब जो मनी कंपनी ने ड्यू किया और शेयर होल्डर्स ने पे किया, जो मनी कंपनी ने ड्यू किया और शेयर होल्डर्स ने पे किया, उस मनी को अपन क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। हमारा पेड अप कैपिटल इतना रुपया है। अब यहां पर अनपेड कैपिटल बोल के कुछ दिया हुआ है, अनपेड कैपिटल जो हमने मांगा ही नहीं था उसको अनपेड नहीं बोलेंगे, वो तो अनकॉल्ड है, हमने मांगा ही नहीं है, जो मांगा और नहीं मिला उसको बोलते हैं अनपेड, ठीक है ना। तो यहां पर 5,000 × 3 रुपया करके यही रेट था ना, 15,000 रुपया हमारा क्या हो गया, अनपेड कैपिटल हो गया, 15,000 रुपया क्या हो गया, अनपेड कैपिटल। ये बात से सहमत हो आप लोग? अच्छा, वो सब लिखा हुआ है कि कब क्या किसको क्या बोलेंगे, लेकिन आप लोग घर में पढ़ना, अभी ये एग्जांपल समझो बेहतर होगा। उसके बाद लास्ट आपका लिखा है रिजर्व कैपिटल, लिखा है द पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल नॉट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द इक्विटी, इक्विटी शेयर से जो पैसा अब तक हम लोग कलेक्ट नहीं किए उसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। यानी मैं ये बात बोल सकता हूं कि अनकॉल्ड कैपिटल को हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। कभी कभी कंपनी क्या करती है ना, अभी कोई बच्चा पूछ रहा था कि सर कभी नहीं मांगेगा क्या, कंपनी का जब रिजोल्यूशंस का सिचुएशंस आ जाएगा, कंपनी अपने लिक्विडेशन पोजीशन में पहुंच जाएगी, तब कभी कभी कंपनी पैसा मांगता है। मतलब वो मांगता ही नहीं, लास्ट का 2-2 रुपया हर क्लास के अलग अलग ईयर्स में अलग अलग तरह के शेयर्स इशू करते हैं, तो 1 रुपया 2 रुपया लास्ट का रख देते हैं, उसी को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व बना के हर कंपनी रखना चाहता है, हमारे बुरे दिनों में काम आएगा, मतलब कंपनी अपने लिक्विडेशन के टाइम पे ही मांगेगी, अदरवाइज नहीं मांगता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो ये मैं 10 नाम आपको क्लियर करने में, समझाने में सफल रहा हूं ना। अब आप आगे आ जाओ, आप आगे आओ यहां पर अगले पेज पे। जी डिफरेंस डिफरेंस तो घर में पढ़ना है, ये तो तुम लोग क्लास 11 के कॉमर्स से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, आप लोग पढ़ लेना, नॉलेज के लिए काफी बेहतर होगा आपके। जी नहीं, अब आप आ जाओ जर्नल एंट्री जहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, जर्नल एंट्रीज। आपको जर्नल एंट्रीज यहीं पे लर्न करके आज जाना है, मतलब अगर आपको पहले से याद नहीं है या याद करके, बेटे ठीक है, देखो आप जर्नल एंट्री पे आ जाओ। नंबर 1 आपको जर्नल एंट्री सारा अभी दिमाग में अपने इनपुट कर लेना है, क्योंकि सम्स करते वक्त कोई भी जो सबसे कमजोर होगा क्लास में, ये नहीं कि सर रुकिए हम पलट के देख ले वाला एंट्री है कि नहीं, मैं किसी से भी सम्स कराते वक्त पूछ लूंगा कि ये सिचुएशंस में एंट्री बताओ, अमाउंट आप नहीं पुट कर पाओगे, क्योंकि आपका 11, 12 में जैसा पढ़े थे उस तरह का ये अमाउंट नहीं आने वाला है, थोड़ा टफ होने वाला है सिचुएशन, तो आपको अमाउंट मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन एंट्री तो पूछ सकता हूं ना, तो एंट्री मैं किसी से भी पूछूंगा, इसलिए एंट्री को अभी आप लोग दिमाग में मेरे साथ इनपुट कर लो, ठीक है। देखो आप लोग सबसे पहले आओगे, क्या लिखा है यहां पर, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड लमसम फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। हम लोग बार बार इक्विटी और प्रेफरेंस वर्ड मेंशन नहीं करेंगे, मैं इक्विटी बोल दूंगा, वैसे ही प्रेफरेंस का भी जर्नल एंट्री होता है। अगर आपको एप्लीकेशंस का पैसा मिलेगा जैसे कंपनी के बुक में, ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज की जाएगी किसके बुक में होगा, कंपनी के बुक में होगा, किसी भी पार्टिकुलर शेयर होल्डर्स या कंपनी के सीईओ या कंपनी के डायरेक्टर के बुक में कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। कंपनी जैन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, तो सारा किसके बुक में बनेगा,
कंपनी के बुक में बनेगा। अब कंपनी के पास एप्लीकेशंस का पैसा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये बात बताया था कि एप्लीकेशंस का भी पैसा कंपनी ड्यू करता है क्या? नहीं, डायरेक्ट आता है वह पैसा। तो डायरेक्ट कंपनी के बैंक में पैसा आएगा। और तुम लोग बचपन में वो क्लास 11 वाली बात याद है क्या, व्हाट कम्स इन विल बी डेबिटेड। तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कैश वर्ड आप नहीं यूज करना क्योंकि कंपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन से ही हमेशा पैसे लेती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट, पहला एंट्री आप सबको याद रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे ही कंपनी के पास एप्लीकेशंस के पैसे आएंगे, ध्यान से सुनो, जैसे ही कंपनी के पास एप्लीकेशंस के पैसे आएंगे, कंपनी साथ साथ वह एप्लीकेशंस का पैसा किस पर्पस से एप्लीकेशंस करने लोगों को बोला था, अपने कंपनी का कैपिटल क्रिएशन के लिए बोला था। कंपनी का वजह क्या था इनविटेशन करने, ये पब्लिक को इनवाइट किस लिए किया था, पैसा देने के लिए, कंपनी का कैपिटल क्रिएशन के लिए। तो कंपनी साथ साथ उसी पैसे को, एप्लीकेशंस वाले मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देता है। मतलब आपको ये दो एंट्री हमेशा करने होंगे, एप्लीकेशंस का एंट्री और प्लस एप्लीकेशंस के मनी को लगे हाथ कहां ट्रांसफर करना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो आपका दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, आप पहले एंट्री में देखो ये लिखे थे ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वर्ड आपका चला जाएगा डेबिट में और क्रेडिट में आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो एंट्री आपको याद हो गया, दो एंट्री क्या क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। दूसरी बात, अब हमारी बात आती है ना, ये शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, ये क्या बोला है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार और व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं पढ़ाई करता था तो उस समय शेयर्स इशूड इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट भी हुआ करता था, समझ गया ना, मतलब एक एंट्री हम एक्स्ट्रा पढ़ा है। लेकिन आप लोगों के समय में डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करने के लिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 56 में मना कर दिया गया है कि कंपनी कभी भी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं करेगी, ऐसा कंपनी लॉ में तुम लोग पढ़ के आया है। ठीक है, तो यहां पे When shares are issued at par, जब par पे कंपनी शेयर्स इशू करेगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब प्रीमियम पे करेगा तो हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। ये प्रीमियम पे जब होगा तो हम लोग देख लेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, जो एंट्री याद करने का है उसमें आओ आप लोग। इसके बाद अभी आप लोग ये सारा नहीं पढ़ो, जो आपका 2, 3, 4, 5, 6 डायरेक्ट 7 नंबर एंट्री पे आप लोग आओ। 7 नंबर 2, 3, 4, 5, 6 को मैं थोड़ी देर में डील करता हूँ। ठीक है, आपका फिर यहाँ पर वो लंपसम बोल रहा था, लंपसम मतलब जब एक बार आप सारा पैसा ले लोगे तब, लेकिन मेनली आप पैसा अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, यहाँ पर जब पहले अलॉटमेंट का मनी ड्यू किया जाएगा फिर अलॉटमेंट का मनी रिसीव होगा। अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पर पिछले पेज पे है, पिछले पेज में आओ। When allotment money becomes due, 5 नंबर, रोमन का 5, 7 का 5 में आ जाओ। ठीक है, 7 का 5 जो पढ़ रहे हो उसको टिक करते चलना। 7 के 5 में लिखा हुआ आपका, When allotment money becomes due, कंपनी पहले ड्यू करेगा, जब भी ड्यू करेगा, मेरी बात ध्यान से सुनो, याद कैसे आप लोग रखोगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेगा तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेगा, अगर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू आपका इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करेगा, अगर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगा तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल करेगा। तो ड्यू का एंट्री आपको जिस कॉल का ड्यू होगा उस कॉल को डेबिट में लिखना है और शेयर कैपिटल वर्ड को कहां पे लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। तो चलिए हम लोग पहले अलॉटमेंट का ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब ड्यू करेंगे तो हमें पैसा रिसीव भी होगा, रिसीव करेंगे तो हम जनरल एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, चाहे एप्लीकेशन का पैसा मिले, चाहे फर्स्ट कॉल का पैसा मिले, चाहे अलॉटमेंट का पैसा मिले या फाइनल कॉल का पैसा मिले, जब भी हमें मनी रिसीव होगा कंपनी को तो कंपनी क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहां पर भी हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो आपका ड्यू का एंट्री था, ड्यू का एंट्री बोलना एक बार, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो आप अलॉटमेंट का ड्यू के समय अलॉटमेंट अकाउंट ड्यू लिखे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लिखे थे, वही डेबिट रिसीव करते वक्त क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, वही डेबिट क्या हो जाएगा, जैसे आपको डेटर्स से पैसा मिलने वाला रहता है तो आप क्या एंट्री करते हो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही करते हो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब आपको डेटर्स से पैसा मिलता है तो आप एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स को डेबिट से उठा के क्रेडिट में फेंक देते हो। वैसे ही यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का ड्यू का पैसा है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट को उठा करके आप क्रेडिट में फेंक दोगे। ठीक है, और बैंक रिसीव होगा तो बैंक को आप डेबिट में करोगे, तो यहां पर रिसीव का मनी एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हम लोग फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे ऐसे ही, और अगर कभी कॉल्स अरियर हो गया तब आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और कंबाइंड एंट्री अगर करना होगा तो मतलब अरियर्स का, रिसीव का और अलॉटमेंट का दोनों का, कैन यू से कंबाइंड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, करेक्ट है, कंबाइंड एंट्री हो जाएगा, दोनों को डेबिट में एक साथ रख लो, कर दो। अब लोग पढ़े हो तो बहुत जल्दी जल्दी ये चैप्टर समझोगे, और मैं इसी चैप्टर से जानबूझ के स्टार्ट किया कि आसान लगे तुम लोगों को, थोड़ा मोरल डाउन नहीं हो। ठीक है, आसान तो बहुत है। ठीक, देखो उसके बाद कॉल का मनी हम लोग ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल अगर हम ड्यू कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल अकाउंट, और जब मनी रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे ही फाइनल कॉल का भी होगा। फिर फॉर फ्यूचर वाली एक एंट्री आप लोग देख लो, क्योंकि हम जो आज सम्स करने वाले हैं एक सम्स हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो फॉर फ्यूचर का एंट्री पे आओ आप। वेन देखिए ध्यान से, आपका पेज नंबर एक, आपका 15 वेन शेयर्स आर फॉरफिटेड। ठीक है, when shares are forfeited का जर्नल एंट्री देखो यहां पर क्या लिखा गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब shares are forfeited होगा तब एंट्री कैसे करेंगे। तब हम लोगों का जर्नल एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां पर होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। ये नहीं लिखा, मैं लिख के समझा रहा हूं। ठीक है, यहां पर अमाउंट कौन सा बैठता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मतलब जितना शेयर्स के लिए आप ड्यू कर रहे हो उतना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है जैसे शेयर्स का दाम है 10 रुपया, मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन में रिसीव किया 3 रुपया, अलॉटमेंट में रिसीव किया 2 रुपया और फर्स्ट कॉल में रिसीव किया 3 रुपया, तो कितना रुपया अभी तक हो गया, 8 रुपया। 8 के बाद मैंने कभी पैसा मांगा ही नहीं, और फर्स्ट कॉल का ही ड्यू होने के बाद से मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉल का ड्यू किया, शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, उसी समय मैं उसका शेयर्स फॉरफिट करने जा रहा हूं। ठीक है, मान लो ये मोहन है और मोहन के पास 2000 शेयर्स मेरी कंपनी का था, और मोहन ने अब तक हमें दिया है 3 रुपया एप्लीकेशन का और 2 रुपया अलॉटमेंट का, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा जो 3 रुपया 2000 × 3 6000 रुपया इनके ऊपर मेरी कंपनी ने ड्यू किया था, ये 6000 रुपया देने में अनसक्सेसफुल रहे, तो मैं इनका शेयर क्या करूंगा, फॉरफिट कर लूंगा। फॉरफिट करते वक्त मैं पहला जर्नल एंट्री क्या करूंगा, मैं मतलब कंपनी क्या करेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना लिखेंगे मोहन का, 2000, और कॉल्ड अप वैल्यू जितना रुपया तक हमने इनसे पैसा मांगा था, कितना रुपया तक मांगा था, 8 रुपया। ठीक है, तो वो कॉल्ड अप वैल्यू वाला अमाउंट बैठाते हैं सम्स में आके सारा चीज। अगर देखिए, इफ द प्रीमियम रिमेंस इन अरियर्स, और ऐसा भी अगर जिस कॉल में ये फेल करेंगे, कभी कभी आपको सम्स में ऐसा भी मिलेगा कि अलॉटमेंट में प्रीमियम भी जुड़ा हुआ था और अलॉटमेंट वाला ही कॉल किसी शेयर होल्डर्स ने फेल कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना,
ये जो लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्या ये हमेशा आएगा? ना उस समय आएगा जब जिस कॉल में प्रीमियम होगा और उसी कॉल का पैसा जब शेयर होल्डर्स फेल कर देगा तभी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट वर्ड आएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल दूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट वर्ड जो आपका जर्नल एंट्री में है ये हमेशा नहीं आएगा, ये तब आएगा जिस कॉल में प्रीमियम होगा और उस कॉल का पैसा किसी शेयर होल्डर्स ने देने से फेल कर दिया तब जाके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। यहां पर कॉल्स इन अरियर अकाउंट के बजाय आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, जिस कॉल का पैसा फेल होगा उस कॉल का नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको सम्स में जाएंगे तो हम बदल बदल के बता देंगे। और उसके बाद जब हम फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं तब एक जर्नल एंट्री क्या है, व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड। फॉरफिटेड शेयर जो होता है उसको हम डिस्काउंट में री इशू कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश इक्विटी शेयर्स को कभी भी हम डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो फ्रेश शेयर इशू करते हैं पहली बार कंपनी का एक सर्टेन क्लास ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं, सर्टेन क्लास ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं तब हम डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग मान लो हमारा शेयर्स का दाम है 10 रुपया और उसको हम 9 रुपया करके ही री इशू कर दिए तो 1 रुपया करके जो शेयर्स पे हमें लॉस होगा उसको हम लोग लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट जो लॉस होगा। तो ऐसे करके आप लोग पहले नंबर वन क्वेश्चंस पे आइए। यहाँ पर एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी है बट बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैं अभी नहीं समझा रहा हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहले एक बार सम्स को पढ़ते हैं अच्छे से, आप लोग ऐसे ही हैबिट जनरेट करो पढ़ने का अच्छे से। देखो लिखना, सिखा लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। वेरी गुड, इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है। मतलब कंपनी बोला कि मैं 60,000 शेयर्स का इनविटेशन कर रहा हूँ, 10 रुपया करके हमारे शेयर्स का दाम है और 2 रुपया हमारे शेयर्स प्रीमियम पे बिकेंगे, यानी टोटल शेयर्स के ऊपर कंपनी का कलेक्शन 10 रुपया आएगा कि 12 रुपया? 12 रुपया आएगा, ये बात समझ रहे हैं, 2 रुपया प्रीमियम है। अब प्रीमियम का जो पैसा है ना ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह किस स्टेज में मांगेगा, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रीमियम का पैसा कंपनी किस स्टेज में अपने शेयर होल्डर्स लोगों से मांगेगा। ऐसा भी होता है, मैं आपको सारी सिचुएशंस बता दे रहा हूं क्योंकि अभी कभी ऐसे मिलेगा, पहले नहीं मिला होगा तो तुमको आश्चर्य लगेगा। एप्लीकेशंस के समय ही जो कंपनी का शेयर्स हाईली डिमांडेड है, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, रिलायंस है, तब वो क्या करेगा, बोलेगा एप्लीकेशंस के समय ही हमें प्रीमियम का पैसा चाहिए। मतलब 3 रुपया अगर एप्लीकेशन का दाम है और 2 रुपया प्रीमियम, मतलब उस समय हमें 5 रुपया करके शेयर्स का दो तब हम आपको शेयर्स देंगे। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है कि 1 रुपया कंपनी मांग लेगा एप्लीकेशन के समय, 2 रुपया अगर प्रीमियम है पर शेयर का तो 1 रुपया मांग लेगा एप्लीकेशन के समय, 1 रुपया अलॉटमेंट के समय। ऐसा भी हो सकता है कि 1 रुपया अलॉटमेंट में मांगेगा, 1 रुपया फर्स्ट कॉल में मांगेगा, मतलब सारे सिचुएशंस पॉसिबल है। या ऐसा भी होगा कि अलॉटमेंट में ही पूरा का पूरा पैसा मांगे प्रीमियम का, ये सारी परिस्थितियां हो सकती है, तो आप इसके लिए रेडी रहो। हाँ, इसमें देखो क्या दिया है, आगे पढ़ने से पता चलेगा हमें, कंपनी का 10 रुपया करके शेयर्स का दाम है। ब्रेकअप इनका कैसे है ध्यान से देखिएगा, बोला है प्रीमियम ऑफ ₹2, 10 में ₹2 का प्रीमियम है, मैं आपको यह समझा रहा हूं। इसमें बोला है पर शेयर पेबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का कितना है रेट, एप्लीकेशन का है 2 रुपया, अलॉटमेंट का रेट कितना है 5 रुपया है, लेकिन उसमें शेयर्स का दाम है 3 रुपया और 2 रुपया है प्रीमियम का। ठीक है, मतलब यहां पूरा प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ कंपनी मांग रही है। उसके बाद फर्स्ट कॉल का रेट कितना है ₹2 है, और उसके बाद फाइनल कॉल का दाम कितना है, फाइनल कॉल का दाम है 3 रुपया करके। तो देखो कैसे हो गया, ये 2 रुपया शेयर्स का
प्लस ₹3 शेयर्स का, ₹5 प्लस ₹2 ₹7 प्लस ₹3 ₹10 प्लस ₹2 का ये प्रीमियम ₹12, ठीक है। अब चलो सम्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग फर्स्ट पैरा तो पढ़ चुके हैं सम्स का, आगे क्या हुआ। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर्स, कंपनी के पास 60,000 शेयर की औकात थी और कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितने का आ गया, 90,000 शेयर्स का एप्लीकेशंस आ गया, ठीक है। फिर बोला अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेशंस फॉर 72,000, ये कंपनी ने एक प्रोराटा सेटिंग किया, मुझे बोर्ड पे मिटा के समझाना होगा, ठीक है। देखिए क्या प्रोराटा सेटिंग किया, सब समझाऊंगा। देखो आपका कंपनी के पास 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं, एप्लीकेशंस आए हैं 90,000 इक्विटी शेयर्स का एप्लीकेशंस आया हुआ है, ठीक है। अब कंपनी ने 90-60 का प्रोराटा सेटिंग नहीं किया, कंपनी बोला मैं 72,000 शेयर्स के लिए प्रोराटा सेट करूंगा, यानी मैं ये समझूंगा कि मेरे पास 72,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है जिसमें से मैं 60,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस को फुलफिल कर रहा हूं। तो एक्स्ट्रा कितना नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा, 72,000 से 90,000 एक्स्ट्रा 18,000 शेयर्स का पैसा कंपनी रिफंड कर देगा। अगर उनको शेयर्स नहीं दे पाएगा तो कंपनी क्या करेगा, एप्लीकेशंस के मनी को रिफंड कर देगा। आप लोग आइए सम्स को पढ़िए एक बार। ये बोला है एप्लीकेशंस, वही बता रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा, लाइन को पढ़ा लो। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर्स, एग्री हो, 90,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, थोड़ा बोर्ड पे भी देखते रहिए। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा, अलॉटमेंट बोला कंपनी ने कि मैं प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट करूंगा, मतलब जिसने 8 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 5 दूंगा, जिसने 12 के लिए अप्लाई किया उसको मैं 10 दूंगा, मैं ऐसे कुछ अपने मन से रेशियो बोल रहा हूँ ये वाला। टू द एप्लीकेशन फॉर 72,000, वह बोला कि हम 72,000 लोगों को ही प्रोराटा के सेटिंग्स में ले रहे हैं, बाकी एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन बिंग रिफ्यूज, बाकी एप्लीकेशन को हम रिफ्यूज कर रहे हैं, मतलब स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं उस एप्लीकेशन को, ठीक है। तो स्वीकार जब कंपनी नहीं करेगा तो क्या करेगा, उनका पैसा रिफंड कर देगा। मेरे पास बैठाने के लिए सीट रहेगा 40-45, अब मेरे पास 100 जन आएंगे तो हम कहाँ बैठाएगा, टाइम भी अगर नहीं है मेरे पास तो रिफ्यूज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, हाँ रिफंड। तो यहां पर आप सीधा समझोगे बेटा कि ये जो 18,000 शेयर, 18,000 कहां से आया छोटू, 18,000 अमाउंट जो मैं बोल रहा हूं 18,000 शेयर, ये कितना माइनस कितना करके आया, ये इसको बताने दो, 90,000 माइनस 72,000 करने से जो 18,000 आ रहा है, इस 18,000 का एप्लीकेशन कंपनी रिफ्यूज कर दिया, शेयर देने से इनकार कर दिया, और एप्लीकेशन का रेट कितना रुपया करके है, एप्लीकेशन का रेट है ₹2, यानी 18,000 इंटू 2 36,000 रुपीज कंपनी उनको बैक कर देगा, रिफंड कर देगा, और प्रोराटा सेटिंग करेगा 72,000 इज टू 60,000 का। आगे देखिए क्या प्रोराटा का सेटिंग है इसका, एक्सेस अमाउंट्स पेड ऑन एप्लीकेशंस आर बिंग एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब देखिए जिनको कंपनी शेयर्स देगा ही नहीं, क्या उनका पैसा रख के अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगा, नहीं, उनका लौटा देगा। लेकिन जिन लोगों ने 72,000 के लिए एप्लीकेशंस किया था ₹2 करके, कितना होगा, 1,44,000, और उनको कंपनी ने 60,000 शेयर्स दिया ₹1,20,000 का, समझे मेरे बात को। तो एक्सेस पैसा कितना कंपनी के पास है, 24,000। ये 24,000 कंपनी नहीं देने वाला किसी को, ये वाला 24,000 वह क्या करेगा, बोलेगा हम रखते हैं अपने पास, इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, मतलब अगली बार जब पैसा हम मांगेंगे आपसे उस समय मांगेंगे हम पूरा, लेकिन लेते वक्त ₹24,000 हम कम कर देंगे, समझ रहे हो मेरी बातों को। तो ऐसी तरीके से अब मान लो मेरा फी है मान लो ₹1,800, अन्य ला करके 2,000 का नोट, ₹200 मेरे पास चेंज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे,
अलॉटमेंट एडजस्टेड विथ नेक्स्ट कॉल, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, सेम चीज यहां पर है. आगे पढ़िए, मुखर्जी, मुखर्जी टू होम 2400 शेयर्स वेर अलॉटेड. मुखर्जी नाम का एक शेयर होल्डर है, उसको 2400 शेयर अलॉट किया गया था. वेर अलॉटेड, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी एंड चैटर्जी टू होम 3000 शेयर. अब देखो एक बात आता है, सबसे जरूरी बात मैं ये पूछने वाला हूं, क्लास में कौन ऐसा बच्चा है जिसको लगता है कि हमें शेयर्स क्लास 12 का थोड़ा सा भी याद है? याद है, ओके, वाह. देखो नाम बताइए आप फटाफट, नाम अपना. विशाल क्लास कर गया, अच्छा एग्जाम में साथ बैठता है ना, टॉपर है ये. देख तो भैया ये जो मुखर्जी है ना, ऐसे सब लोग भी बता सकते हैं, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालता तो. मुखर्जी है, इसको कंपनी ने 2400 शेयर्स वेयर अलॉटेड. वेयर अलॉटेड वर्ड को एक बार सर्कल में डालो, वहां पर पेन से एकदम सर्कल में डालो. 2400 शेयर्स अलॉट किया गया था, अलॉट किया गया था, फोन रखो, अलॉट किया गया था. तो मुझे बताना तुम विशाल कि इसको कितने शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया होगा, कोई और नहीं बोलना अगर याद आ जाए तो. इसको अगर 2400 शेयर अलॉट किया गया है तो इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? 2400 शेयर के लिए ही अप्लाई किया होगा या 2400 से ज्यादा, पहले ये बताओ. ज्यादा ही किया होगा, क्योंकि कंपनी 72 वालों को 60 दिया है. माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे कर दो ना, 72/60 कर दो, 00 सबका हटा दो, 2880 इतना शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तब इसको जाके कंपनी ने 2400 शेयर्स दिया. समझ गए? आपको देखो एक बार आप लिख लो, एक रूल्स है, फॉर्मूला है, मतलब कि जब भी आपको नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना होगा, मैंने यहां पर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकाला, तो आप क्या करोगे, प्रोराटा का जो सेटिंग रहेगा ना, जैसे यहां पर 72:60 है प्रोराटा, कीर्ति यहां पर प्रोराटा का रेशियो है 72:60, तो यानी 72 शेयर के लिए अप्लाई किया तो 60 शेयर दिया, यही ना, इसका रेशियो आप बना दो तो आपको क्या आ जाएगा, 6:5 आएगा. मतलब जिसको जिसने 6 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको हमने 5 शेयर दिया. तो आप क्या करोगे, अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना होगा, तो अप्लाइड वाला रेशियो को आप न्यूमिरेटर में लिखोगे और इसको डिनोमिनेटर में लिखोगे. और आपको नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड फाइंड करना होगा, तो आप 5 को ऊपर लिखोगे, 6 को नीचे लिखोगे. समझ रहे हो ना, ऐसा आप कैलकुलेट कर सकते हो हर बार, ये कैलकुलेटर पे हो सकता है. समझ गए? तो अगला जो शेयर होल्डर्स था, इसको देखो क्या किया गया था, मुखर्जी टू होम 3000 शेयर्स वेर अलॉटेड. अब ये 3000 शेयर के लिए अलॉट किया गया था इसको, तो अब इसलिए 3000 से ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा, कितना के लिए अप्लाई किया होगा, 3000 × 6/5 3600 शेयर्स के लिए ये अप्लाई किया होगा. ठीक है, तो इससे भी 600 शेयर का ज्यादा पैसा मिला हुआ है हम लोगों को. आगे पढ़िए, अलॉटेड फेल टू पे द टू कॉल्स. जो मुखर्जी था ये क्या किया, अलॉटमेंट भी फेल किया, फर्स्ट कॉल भी फेल किया और फाइनल कॉल भी फेल किया. चटर्जी जो था ये सिर्फ कॉल्स का पैसा फेल किया, यानी अलॉटमेंट का पैसा दे चुका है. वेरी गुड. देयर शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल्स वॉज मेड. मतलब एकदम कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया तक होगा, पूरा ही पैसा इनसे मांगा गया था, कॉल्ड अप 10 रुपया तक किया गया था. और फिर क्या हुआ, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वेर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू बैनर्जी एज फुल्ली पेड अप एट ₹8 पर शेयर. 8 रुपया पर शेयर फुल्ली पेड समझ के उनको इशू कर दिया गया. तो बोला है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हमें पास करना है. 15 मार्क्स 10 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, 15 मार्क्स 10 नंबर में ऐसा सम्स पूछेगा आपसे. हो सकता है सम्स को थोड़ा छोटा करना हो तो 2 शेयर होल्डर्स की जगह पे 1 शेयर होल्डर्स कर दें, मुखर्जी के जगह पे चटर्जी ही सिर्फ रहने दें. तो आपको चलो एक एक करके आप फॉर्मेट बना लो, पहले 2 पेज का एकदम जर्नल एंट्रीज का. हाँ जी, 2 पेज का. In the books of
शिखा लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज आप लोग साथ साथ ही कॉपी कर लेना, क्योंकि हमारे पास समय की बात नहीं है, स्पेस की बात है। थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। देखो पहला एंट्री होगा हम लोगों का, एप्लीकेशन मिलेगा। अच्छा एप्लीकेशन हम 72,000 का तो एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन एप्लीकेशन करने से हम किसी को रोक सकते हैं क्या? नहीं ना, पूरा 90,000 का एप्लीकेशन आया है उसका हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, इक्विटी को इक्यू में लिखता हूं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहां पे लिख देंगे। ये आप लोग भी लिखते हुए चलोगे रिवीजन में, आपको एकदम ये संजीवनी का काम करेगा। ठीक है, बिंग इक्विटी, बेटे स्क्रीन घुमा दूं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 90,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2H। इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन के पैसे को रिफंड अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 60,000 शेयर्स हम देने में कितना कैपेबल रह रहे हैं शेयर्स? 60,000, भले हम प्रोराटा सेटिंग कर रहे हैं 72,000 शेयर्स का, लेकिन हम शेयर्स देने में कितने काबिल हो रहे हैं? 60,000 ही, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं शेयर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सारे एंट्री हम लोग समझ के आगे बढ़े हैं, तो इस पे मुझे ज्यादा कि क्या एंट्री लिख रहे हैं सर, ये कहां से आ गया, ये सब बातें नहीं रह होनी चाहिए। अगर हो रहा है तो पूछ सकते हो। ठीक है, कितना रुपया ट्रांसफर करेंगे हम, जितना शेयर देने में काबिल हैं, 60,000 इंटू 2 रुपया, 1,20,000। हम इससे ज्यादा अपने शेयर कैपिटल में नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2H ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो और एक बात, आपको जब भी किसी जर्नल एंट्री में चाहे डेबिट या फिर क्रेडिट, ये शेयर कैपिटल वर्ड दिख जाएगा ना, चाहे डेबिट में या फिर क्रेडिट में, तब आप एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड लिखोगे। एज पर बोर्ड यहां तक लिखने के बाद से, एंट्री खत्म होने के बाद से, एज पर बोर्ड रिजोल्यूशंस, क्योंकि तुम लोग 12 में नहीं लिखता था इसीलिए लिखवा रहे हैं, बोर्ड रिजोल्यूशन बता रहे हैं हम डेटेड। देखो कलकत्ता यूनिवर्सिटी WB बोर्ड को फॉलो करता है, और जो लोग WB बोर्ड में पढ़े होंगे वो लोग जरूर लिखते होंगे ये चीज। ठीक है, ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड में बारम किया जाता है मत लिखो, मैं खुद अपने ISC वाले बच्चों को बोलता हूँ मत लिखो।
ठीक है ना, लेकिन आपको अभी लिखना होगा, ठीक है। ये क्या होता है, जब भी ये सब जब ट्रांसफर होता है ना एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में, तो बोर्ड की एक मीटिंग होती है, बोर्ड की मीटिंग मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और उसे रिजोल्यूशंस पास होता है, तो हर रिजोल्यूशन का अपना एक नंबर होता है, उसी रिजोल्यूशंस के बारे में आप लिख के छोड़ देते हो, एक डेट होता है इस डेट पे बोर्ड की मीटिंग हुई है, तो इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स उसको छोड़ देना है ऐसा लिख करके, ठीक है। बट आपको लिखना है, ये तभी लिखोगे जब आपको शेयर कैपिटल वर्ड दिखेगा, चाहे डेबिट या फिर क्रेडिट, ओके। वो नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से चलो मैं एक सवाल करने वाला हूं अभी। यू दोनों सलोनी पास में बैठी है, वाह। चलो सलोनी तुम बताओ, कितना शेयर्स का पैसा रिफंड किया जाएगा? 18,000। तो रिफंड करेंगे ना, तो जो हम लोग का एप्लीकेशंस का जो जर्नल एंट्री है ना, उसी जर्नल एंट्री को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसी जर्नल एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा तुरंत। हाँ जी, कुछ पूछ रही है। अच्छा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अकाउंट ये आपका कैसे आया अमाउंट मैं बता दे रहा हूं, 90,000 माइनस 72,000, 18,000 और इंटू रुपीज 2, 36,000। इनको हम शेयर दिए ही नहीं है, तो इनके एप्लीकेशंस का पैसा हम क्यों रखेंगे, लौटा देंगे। तो लिख देंगे बिंक एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 18,000, 18,000 लिखा है लास्ट में, 18,000 इक्विटी शेयर्स रिफंडेड। ये तीन एंट्री कॉपी कर लो सभी का, बहुत अच्छे हो तुम लोग। चलिए अभी बताओ मेरे को, अलॉटमेंट का कितना एक्सेस शेयर, एक्सेस रुपया कंपनी अपने पास रखा है? यू अग्रवाल जी, ना मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कंपनी एप्लीकेशंस का एक्सेस कितना रुपया अपने पास रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तुम बताओ पड़ोसी, 24,000 रुपया कैसे आया, 12,000 इंटू 2, और ये 12,000 कहां से आ रहा है, 72,000 माइनस 60,000 करके, ठीक है। तो अभी हम लोग अलॉटमेंट का पहले ड्यू करते हैं, और रिसीव करते वक्त एक्सेस पैसा को एडजस्ट किया जाता है। ड्यू हम पूरे रुपए का करेंगे। अब मान लो कोई बच्चा, जैसे अपना अनमोल था, ये मेरे को एक्सेस पैसा दे रखा है कुछ रुपया, तो मैं जब टेक्स्ट भेजूंगा कि मेरा पैसा ड्यू हो गया, आप लोग दे दो, सबमिट कर दो, तो क्या मैं अलग से नाम उसका मेंशन करूंगा, सबको एक ही टेक्स्ट जाएगा? मतलब ड्यू की नोटिस कंपनी सबको एक जैसे ही भेजती है, लेकिन जिनका एक्सेस पैसा कंपनी के पास रहता है, वह कंपनी रिसीव करते वक्त एडजस्ट करती है। तो अलॉटमेंट का एंट्री एकदम नॉर्मल जाएगा। अलॉटमेंट में आपका प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम के समय अलॉटमेंट का एंट्री देखो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। मेरे बच्चों,
कंपनी ड्यू कितने शेयर्स के ऊपर करेगा? 60,000, जितना शेयर्स दे सका है उसी के ऊपर ड्यू करेगा, 60,000 इंटू 5 रुपया करके यहां पर हो जाएगा। हाँ बोलो, 5 रुपया था ना, 3 रुपया और 2 रुपया प्रीमियम का था, ठीक है। फिर यहां पर हो जाएगा 60,000 इंटू 3, 3 रुपया, और ये भी हो जाएगा आपका 60,000 इंटू 2 रुपया करके, ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपया, ये 1,80,000 और 1,20,000 लिख देंगे। बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 5 इच इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर एज पर किसी बच्चे के मन में अभी थोड़ी देर बाद ऐसा भी ख्याल आएगा, अभी नरेशन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में लिखेंगे। तो पहले भी ऐसा हुआ है कि बच्चा लो नहीं लिखता था, एग्जाम में भी भूल गया था लो। आप लोग महान बच्चों की श्रेणी में आते हो इसलिए आप लोग लिखोगे, मैं मेहनत कर रहा हूं इतना लिख लिख के, तो आप लोग भी लिख लो, ठीक है। हाँ देखो, अब करेंगे हम लोग रिसीव पैसा यहां पर, ठीक है ना, यहां पर। अच्छा, अलॉटमेंट का भी हम लोगों का कुछ पैसा था, वो जो 24,000 रुपया एक्सेस, तो उसको अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रिसीव करते वक्त एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, बैंक अकाउंट में कंबाइंड एंट्री ही करना सिखा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, इतना सारा चीज करना रहेगा, तो आप ब्रेक एंट्री मत करो, ठीक है, कंबाइंड करने का सीखो। मैंने ड्यू किया है कितना रुपया, 3 लाख रुपया ड्यू किया है मुझे। ड्यू के समय एक शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का पैसा फेल भी किया था, नाम उसका क्या था, मुखर्जी, ठीक है, तो उसे भी हमें ध्यान में रख के चलना है। देखिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर आपका कॉल्स इन अरियर भी होगा, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में क्रेडिट में क्यों भेज रहा हूं, एडजस्ट कर रहा हूं मैं। अलॉटमेंट का जब ड्यू हुआ था तो इस समय हमारा इतना रुपए का ड्यू किए थे हम लोगों ने, और अलॉटमेंट का कुछ पैसा हमारे पास पहले से ही एक्सेस पड़ा हुआ है एप्लीकेशन के समय, तो उसी पैसे को अभी एडजस्ट करने के लिए अलॉटमेंट को हम लोग इधर भेज रहे हैं। उसके बाद से आपका अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपया था, 24,000 रुपया था ना, अच्छा, उसके बाद हम लोगों का उसका बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिनर बस इतना ही आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट में कितना आएगा और अलॉटमेंट में कितना आएगा, एक बार कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेशन कर लो, फिर अमाउंट को बैठाते हैं। आ रहा हूं मैं बेटे, प्रीमियम का भी हम लोग करेंगे, सारा लोग तो शेयर्स का पैसा दिया ही है, और वो जो आदमी था मुखर्जी भी हमें कुछ एक्सेस पैसा दे करके रखा है, कितना शेयर का एक्सेस दिया है उसका भी हम लोग एडजस्ट करेंगे यहां पर। अब देखो यहां पर जहां पर हम मनी रिसीव कर रहे हैं अलॉटमेंट का, टोटल कितना शेयर उसको अलॉट किया गया था मुखर्जी को, 2400, तो 60,000 में से आप पहले 2400 रुपया माइनस कर दो, 60,000 में से 2400 रुपया आप कितना
600. अच्छा, इसका रेट कितना था? 5 रुपया करके ना. एक बार मैं यहां पे कुछ लिख के समझा रहा हूं, फिर बाद में लाइन दे दूंगा, ठीक है. हमारा टोटल ड्यू था 3 लाख रुपए का. टोटल ड्यू था 3 लाख रुपए का, ओके. जिसमें से 24,000 रुपया तो हमें पहले ही नहीं लेना था. एग्री हो? 3, अच्छा ज्यादा लिख दिया हूं. हमें 24,000 रुपया तो पहले ही नहीं लेना था, ठीक है. टोटल में से कितना आया फिर? 24,000 था ना. 12,000 शेयर हम एक्सेस एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए थे. 60,000 मेरा शेयर का स्टेटस था और हमने 72,000 का एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया था. 12,000 2 रुपया करके 24,000 रुपए का. तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस करके? 2,76,000 का. और टोटल मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है यहाँ पर? 60,000 है ना. ओके. ₹2,76,000 है. और वो जो शेयर होल्डर है जो पैसा नहीं दे पा रहा है, उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 2,400 है. इसमें शेयर्स का दाम है 3 लाख रुपया. 24,000 वह शेयर्स नहीं दिया हमें, उसका एडजस्ट 2,76,000 हमें मिलना बाकी है. 2,400 उसका शेयर है ना. 2,400 इंटू अलॉटमेंट का रेट उससे 5 रुपया कर दो, कितना आ रहा है? 12,000 है. उसका एप्लीकेशन का एक्सेस मनी डिडक्ट करेंगे. देखो यहां पर क्या होगा, ये जो शेयर होल्डर था 2,400 वाला था ना, इसने कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था? अप्लाइड शेयर्स था उसका 2,880 था. आप समझो, ये सब लिखना नहीं आपको. और उसे हमने दिया था 2,400 शेयर्स. एक्सेस उसका शेयर्स कितना था? 480. यानी 480 इंटू 2 कितना होगा? 960. वह भी तो हमें 960 रुपया एक्सेस दे करके रखा है. तो उसके ऊपर जब हम अलॉटमेंट का ड्यू करते हैं 2,400 इंटू 5 रुपया करके, कितना आता है? 12,000 रुपया. उस 12,000 में से 960 रुपया तो उसने हमें पहले ही दे रखा है. मेरी बात ध्यान से समझोगे, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं पूरा, सभी लोग ध्यान से सुन लो. मैं बोल रहा हूं कि जो शेयर होल्डर है मुखर्जी, उसने हम लोगों ने 2,400 शेयर दिया है. कितना शेयर दिया है? 2,400. उसने अप्लाई कितना शेयर के लिए किया था? 2,880. ये कैसे आया 2,880? 2,400 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 60 करके आया 2,880. आपको मैंने सम्स पढ़ाते वक्त लिख के दिखाया था बोर्ड पे. तो उसने हमें 480 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन भेजा था, 2 रुपया करके एप्लीकेशन भेजा था. यानी उसका भी 960 रुपया हम यानी कंपनी एक्सेस ले करके रखा है, और इस प्रॉमिस के साथ रखा है कि अलॉटमेंट के समय हम आपका पैसा एडजस्ट कर देंगे. तब तक क्या हुआ, अलॉटमेंट का ड्यू जैसे सारे शेयर होल्डर्स के ऊपर किया गया, मुखर्जी के ऊपर भी किया गया. मुखर्जी के ऊपर 2,400 इंटू 5 रुपया करके अलॉटमेंट का ड्यू भेजा गया, यानी 12,000 रुपए का. तो उसे 12,000 पूरा देने का बात था ना, कि 12,000 माइनस 960 करके 11,000 कितना आएगा? 40. 11,040 रुपया उसको देने का बात था, वह भी पैसा वह फेलियर कर दिया. यानी हमें 3 लाख में से यहाँ पर 24,000 जो हम लिखे हैं उसका भी तो हमने माइनस कर रखा है यहाँ पर. हाँ, और 24,000 में तो 960 रुपया भी यहाँ पर इंक्लूडेड है. अब यहां पे ये हो जाएगा यहां पर कितना? 23,000. एक बार 23,000 40, ठीक है.
यहाँ पर 23,040 रुपया पहले ही हम माइनस कर दे रहे हैं, ये कितना आएगा 276,960। और वो फिर कितना पैसा 960, अच्छा वो फिर कितना पैसा देने में काबिल नहीं रह रहा है, 11,000 नहीं, इसका पैसा तो हम यहाँ पर माइनस कर ही दे रहे हैं ना। अब देखो दोनों जगह पे नहीं माइनस करोगे आप लोग, या क्लियर करता हूं, अगर मैं यहाँ पे 24 लिखूंगा तो यहाँ पर 12,000 से माइनस करके लिखूंगा, और यहाँ पर अगर मैं 23,040 कर दूंगा तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 12,000 लिखूंगा। यहाँ 24 करके बताऊं आएगा आंसर एक ही, ठीक है। यहाँ पर 24,000 करता हूं तो यहाँ पे आएगा 2,76,000, और यहां पर हमें 12,000 रुपया उससे मिलने का बात था ना, जिसमें से 960 उसका एडजस्ट हो गया, तो और कितना पैसा वह फेल किया 11,040, इसको माइनस कर दो 2,64,960, मतलब कंपनी को अल्टीमेट सिर्फ इतना पैसा ही रिसीव हो पाया, और कॉल्स इन अरियर कितने रुपए का हम लिखेंगे फिर 11,040 रुपए का। तो क्या एक बार मैं वर्किंग नोट में ये फेयर में लिखवा दूं, लिखना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है, दो पेज जर्नल एंट्री का जो छोड़े हो उसके बाद जाके लिख लो, ठीक है ना, मैं बोल दे रहा हूं लिख लो, ये लिख के रखना बहुत जरूरी है। हाँ तुम लिख रहे हो, हाँ लिख लेना, जो समझे हो उसी को लिखोगे। पहले सबसे पहले लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय, लिखना नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मुखर्जी, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मुखर्जी। आज आप 2880 बोल दे रहे हो लेकिन रिवीजन के समय भूल जाओगे, इसलिए लिख लो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय मुखर्जी इक्वल टू दे करके 2400 इंटू 72/60 लिखो, 6/5 नहीं लिखना होगा, नहीं तो बाद में यह भी मुश्किल होगा कि 6/5 आया कहां से, कितने लोगों का मैथ्स कमजोर है, तो इसलिए 72/60 आप लिखो, आंसर में बगल में लिख दो 2880 शेयर्स, शेयर्स वर्ड जरूर लिख देना 2880 शेयर्स, हो गया। अब प्यारे बच्चों आप लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 2, हाँ ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, लिखना टोटल अमाउंट ऑफ ड्यू ऑन अलॉटमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ ड्यू ऑन अलॉटमेंट, एकदम धीरे धीरे प्यार से लिखो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्यू ऑन अलॉटमेंट इक्वल टू ₹3,00,000, इक्वल टू ₹3,00,000, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स आपको मैं 3,00,000 कहां से आया नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि यहां ऑलरेडी लिखा रहेगा तो आप ढूंढ पाओगे, इतने चालाक तो बना दूंगा मैं। उसके बाद नीचे लिखना लेस, उसके बाद उसी वहीं पे नीचे लिखना लेस, यहाँ 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 से लेस लिखो, एकदम वहां से जहां से आप टोटल लिखे थे, हाँ लेस, लेस दे के लिखना अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन एंड एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड एडजस्टेड, लाइन बदल लेना, अमाउंट के कॉलम में मत लिखते चले जाना, पता था, एंड अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, उसी अमाउंट के नीचे लिखना 3,00,000 के जस्ट नीचे माइनस देके, लिस्ट तो लिख ही चुके हो 24,000, ठीक है 24,000 एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, हाँ अलॉटमेंट लिख लो 24,000, अभी आ जाएगा 2,76,000। अब उसके नीचे लिखना कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं लिखना, उसके बाद नीचे लिखना लेस, लेस अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मुखर्जी, अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम मुखर्जी, मुखर्जी After adjustment of, after adjustment of his excess application money,
आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ हिज एक्सेस एप्लीकेशन मनी. उसका भी तो एप्लीकेशन का था, कितना शेयर्स का, 480 शेयर्स का. तो आप वहां पे क्या लिखोगे नीचे, अमाउंट का लिख लेना, 2880 माइनस 2400, जो वर्डिंग लिखे हो ना उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना 2880 माइनस 2400 इक्वल टू 480 इंटू 2 आएगा 960. ये पूरा लिखो, ये वाला 960, और 960 के पास आने के बाद उसके नीचे चले जाके लिखना 12000 माइनस 960. मतलब जैसे ये 960 के नीचे जाके फिर इक्वल टू देके लिखना 12000 माइनस 960. 12000 कैसे हुआ ये पता है ना, 2400 इंटू 5 करके. अगर किसी को इसमें भी दुविधा है तो आप ब्रैकेट में लिख के रख लेना 2400 इंटू 5. उसका 2400 शेयर था, 5 रुपया करके उसके ऊपर ड्यू किया गया था, देके बैठा हुआ है 11400 माइनस कर दो, हो गया इक्वल टू दे करके ये अमाउंट आएगा 264960. इसको बेटा इसके नीचे लिखो, मैं लिखवाऊंगा फिर जर्नल एंट्री में, मैं लिखवाऊंगा, आप वर्किंग नोट में लिख लो, हो गया. इस ये मिला, अब आओ जर्नल एंट्रीज में, ठीक है. देखो पहले कंटिन्यू करोगे अलॉटमेंट अकाउंट,
ये एंट्री में क्या बताया था कि ये तो हम लोग वर्किंग नोट से ला चुके हैं 2,64,960 रुपीज। ये पैसा कौन सा है जो हमें अलॉटमेंट के ड्यूरिंग रिसीव हो रहा है अलॉटमेंट के समय, और ये जो पैसा हमने लिखा है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसके लिए मैंने आपको एक रीजन बताया था कि जब हमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिलता है और उस पैसे को हम रिफंड करते हैं, तो हम फिर से जब हमें पैसा मिलता है एप्लीकेशन के समय तो जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब हम उसी पैसे को रिफंड कर रहे होते हैं तो हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। अगर एप्लीकेशन का मिला हुआ पैसा हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो जर्नल एंट्री होता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब एप्लीकेशन का मिला हुआ पैसा हम अलॉटमेंट वाले स्टेज में एडजस्ट करने के लिए रख लेते हैं अपने पास, तब उसे हम क्या जर्नल एंट्री में लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और ये तो पैसा हमारा एक शेयर होल्डर था, ये पैसा हमें नहीं दिया, उस शेयर होल्डर का नाम था मुखर्जी। ठीक है ना, मुखर्जी इज द फर्स्ट शेयर होल्डर हु डिड नॉट पे द अमाउंट ऑन द अलॉटमेंट। ठीक है ना, तो उसका एडजस्टमेंट करने के बाद उसने भी हमें कुछ पैसा एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा दे रखा था, उस एक्स्ट्रा पैसे को हमने 960 रुपीज उसने मुझे एक्स्ट्रा दिया था, तो उस 960 रुपीज को हमने माइनस कर दिया, उसके बाद 11,040 आया। वर्किंग नोट में ये सब मैं एक्सप्लेन करके लिखा चुका हूं आपको। ठीक है, उसके बाद से आपका यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट आ रहा है 2,64,960 रुपीज का। तो इसको करने के बाद आप लोग नरेशन लिखवा दिया था क्या, मैं इसका नरेशन लिखा दिया हूं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का ड्यू होने के बाद हम लोग फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल का रेट देखिए कितना है, फर्स्ट कॉल का रेट है आपका 2 रुपया करके, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट कॉल हम लोग कंपनी 60,000 शेयर सिर्फ देने में कैपेबल है, तो 2 रुपया के रेट से वह ड्यू करेगा, 1,20,000 रुपया आएगा, 1,20,000 रुपया यहां पर आएगा। उसके बाद यहां पे लिख देंगे बिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच। इसके बाद हम लोग अब इसका पैसा रिसीव करने वाले हैं, जब हम लोग हाँ जी अच्छा ये शेयर कैपिटल है ना, तो यहां पे लिख देंगे एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड, एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड। इसके बाद हम लोग कॉल का पैसा रिसीव करने वाले हैं, फर्स्ट कॉल का। देखिए जो शेयर होल्डर था मुखर्जी, उसके पास मुखर्जी वाले लाइन को आप पढ़िए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, देखिए वहां पर लिखा है आपका मुखर्जी टू होम 2,400 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल मनी। मतलब मुखर्जी ने हमें फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया है। इसके साथ साथ चटर्जी जो सेकेंड शेयर होल्डर था जिसको 3,000 शेयर हमारी कंपनी ने दिया था, उसने भी अलॉटमेंट का पैसा तो पे कर दिया, टू होम 3,000 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल्ड टू पे द टू कॉल्स, यानी वह फर्स्ट कॉल का पैसा देने में फेल किया और सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल का पैसा देने में फेल किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कॉल सिनेरियर करने वाली पार्टी अब 2 हो गई है, तो हम लोग यहां पर जर्नल एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखिए हमें रिसीव तो 1,20,000 रुपए करने थे, और इस बात से आप सब लोग एग्रीड हो
कि अलॉटमेंट वाले स्टेज में जो सारे शेयर होल्डर्स का पैसा एडजस्ट हो चुका है, उन लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन के समय इतना भी ज्यादा एक्सेस पैसा नहीं दिया है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद भी फर्स्ट कॉल में एडजस्ट के लिए पैसा बचेगा। सभी का पैसा अलॉटमेंट वाले स्टेज में एडजस्ट हो चुका है, यानी जो जितने रुपए शेयर्स का कॉल सिनेरियर करेगा डायरेक्ट यहां पे रिकॉर्ड होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो 2400 शेयर मुखर्जी को दिया गया था जो 2 रुपया करके फेल किया है ना, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कॉल सिनेरियर में 2400 × 2 प्लस चटर्जी कितने था 3000 × 2, मतलब 2400 × 2 4800 रुपीज, और 3000 × 2 कितना हो जाएगा 10800। दोनों का पैसा जोड़कर आएगा 10800। अब आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो यहां का अमाउंट आपको पता चल जाएगा कि कितना पैसा हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, बता देना 109200 लिख देंगे, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बिंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 2 each। उसके बाद हम लोग फाइनल कॉल का पैसा ड्यू करेंगे सेम टू सेम, तो लिख देंगे फिर से इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर बच्चों हम कितना रुपया ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल का रेट कितना है 3 रुपया करके है, और हमारी कंपनी कितना शेयर देने में कैपेबल है 60,000, देन 60,000 × 3 यानी 180,000 रुपया हम ड्यू करेंगे। इस पर सहमत हो सब लोग? तुम देखो तो यहां पे लिख देंगे 180,000, ये आया कैसे 180,000, 60,000 शेयर इंटू रुपीज 3, फाइनल कॉल का रेट 3 रुपया है। तो आप लोग यहां पे लिखेंगे बिंग सेकेंड, ये आपका देखिए ड्यू का एंट्री है, ये रिसीव का एंट्री है, आप ये भी समझने के लिए लिख सकते हैं, एग्जाम में नहीं लिखना होगा आपको, ऐसा लिखने से आपको भी क्लियर रहेगा कि कंपनी पहले ड्यू मेक करती है फिर रिसीव करती है। बिंग सेकेंड, ये सेकेंड लिखा हुआ आपका, सेकेंड कॉल मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2 each, सॉरी 3 each, ठीक 3 each एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन, नंबर डेटेड। ठीक है, अगर आपको ये 180,000 कैसे आया बाद में भूल जाओ तो आप नरेशन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब हम लोग कॉपी कर लीजिए इसको, अब हम लोग फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, फाइनल कॉल का मनी रिसीव करेंगे, फिर फॉरफीचर मैं बताऊंगा, फॉरफीचर तो बेहद अच्छे से आप लोग समझोगे जी। हाँ जी, कॉल सिनेरियर हुआ इसमें भी, हाँ जी, मैं यहां पे रिसीव वाला एंट्री लिखूं ऊपर जाकर, ऊपर का तो कॉपी सब लोग कर चुके हैं पहले ही। देखो इस बार फाइनल कॉल का रिसीव का मनी मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, अच्छा एक स्टाइल में और भी आपको बताना चाहता हूं। देखो आप कॉल्स इन अरियर के साथ भी जर्नल एंट्री शो कर सकते हो, जैसा कि मैंने फर्स्ट कॉल का रिसीव के समय किया है, आप चाहो तो कॉल्स इन अरियर बिना लिखे भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो,
कैसे? आप सिर्फ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,09,200 और क्रेडिट में भी 1,09,200। मतलब सिर्फ रिसीव वाला पार्ट लिखो, कॉल सीन अरियर हमें लिखना ही नहीं है, वह हम चाहे तो लिख भी सकते हैं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। तो मैंने एक बार कॉल सीन अरियर लिखा दिया फर्स्ट कॉल का रिसीव के समय, इस बार फाइनल कॉल का जब हम रिसीव करें तो एक बार कॉल सीन अरियर स्किप करके लिखा देता हूं, दोनों बात आपको पता चल जाएगा, या किसी और क्वेश्चन में यहां पर कॉल सीन अरियर में लिख देता हूं, किसी और क्वेश्चन में स्किप करके बता दूंगा, ठीक है? तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो एक क्वेश्चन में कराऊंगा तो कंफ्यूजन भी होगा बाद में आपको, ठीक है? तो यहां पर फिर से लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, फिर कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। बच्चा आप देखो यहां पर कितना पैसा कॉल्स इन अरियर था पहले उसे लिख दो। जो हमें रिसीव करना था वो था 1,80,000, कॉल्स इन अरियर हुआ इस बार 2,400 इंटू 3 प्लस 3,000 इंटू 3 9,000 और ये 16,200। इतना रुपया हमें इस बार नहीं मिला, ठीक है? एक मिनट, हमें ये मुखर्जी ने 2,400 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके नहीं दिया और चटर्जी ने 3,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपया करके नहीं दिया, तो उनका पैसा हम कॉल सीन अरियर में डाल दिया। ये दिस माइनस दिस कर दो, बता दो 1,63,800 ये पैसा हमें रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट। लिख देंगे बिंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब मैं पूरा ही नीचे कर मिटा रहा हूं। इसके बाद हम लोग फॉरफीचर की जर्नल एंट्री करेंगे। कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद इन लोगों का शेयर्स फॉरफिट कर लिया था, है ना? कंपनी क्या किया था, फाइनल कॉल्स होने के बाद शेयर्स इनका फॉरफिट कर लिया था, दोनों का किया था ना, एक का किया था। दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकेंड कॉल वॉज मेड, जब सेकेंड कॉल मेड किया गया था तब इनका शेयर्स फॉरफिट कर लिया गया। ऑल दिस फॉरफिटेड शेयर्स मुखर्जी टू हम 2,400 शेयर्स वेर अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल मनी एंड चटर्जी टू हम 3,000 शेयर्स, दोनों का ही फॉरफीचर है, ठीक है? दोनों का ही फॉरफिट कर लिया कंपनी। तो हम कैसे फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे? देखो मुझे यहाँ पर फॉरफीचर के दोनों के अलग अलग एंट्री दिखाने होंगे। आप पूछ सकते हो क्यों, ठीक है? एक जो है मुखर्जी वह उस स्टेज में फेल किया है पैसा देना जिस स्टेज में सिक्योरिटी प्रीमियम भी देना था, ठीक है? तो उसकी जब फॉरफीचर की एंट्री होगी उस समय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट हमें लिखना होगा, ये मैंने एक लास्ट क्लास आपको बताया था। उसके बाद जब इसकी फॉरफीचर हम लोग करेंगे चटर्जी की, तब वह उस स्टेज में फेल नहीं किया जिस स्टेज में सिक्योरिटी प्रीमियम था, उस स्टेज का पैसा उसने दे दिया था, दैट मींस अलॉटमेंट का पैसा उसने दिया था, फर्स्ट कॉल में जाके वो फेल किया था। तो दोनों का फॉरफीचर का एंट्री हम अलग अलग दिखा देते हैं, ठीक है? कंबाइन करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन जनरेट होगा अमाउंट को लेकर के आपके माइंड में, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। सबसे पहले अपने दिखाते हैं वही मुखर्जी का, तो हम लोग लिखेंगे, आप लोग फॉरफीचर का एंट्री था इक्विटी शेयर, इसमें ध्यान देना, अभी कॉपी मत कर लेना साथ साथ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मैंने आपको यहां पर अमाउंट क्या लिखने बोला था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था। अब मैं बहुत हर क्वेश्चन में ये बताने वाला हूं, आपके दिमाग में कभी ना कभी याद होना ही है, जो सबसे पागल है उसको भी सबसे पहले याद होगा। देखो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फॉरफिटेड, ऑब्वियस सी बात है
कि मुखर्जी से 2400 शेयर फॉरफिट किया जा रहा है इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब मैंने बताया था कि कंपनी कितना रुपया तक शेयर्स का पैसा मांगी है। यहां तो कंपनी ने पूरा 10 का 10 रुपया मांग लिया था, समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो यहां पे लिखेंगे 2400 शेयर्स इनटू रुपीज 10, ये आ जाएगा आपका 24000 रुपीज, कोई दिक्कत। फिर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। बच्चों 2400 शेयर्स का सिक्योरिटी प्रीमियम का रेट कितना था? 2 रुपया, तो इसे लिख देंगे हम 4800, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहां पे, देखिए आप लोगों का ये इंसान जो था मुखर्जी, इसने हमें कॉल्स इन अरियर कितना रुपया का किया था अलॉटमेंट वाले स्टेज में कितने रुपया कॉल्स इन अरियर किया था? 11040। तो यहां पर हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11040। उसके बाद फर्स्ट कॉल के समय वह कितना रुपया किया, मैं इसके लिए एक सिंपल एंट्री भी होता है, मैं वो भी बता दूंगा, पहले आप इसे देख लो, ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल के समय जो अरियर किया था वो बताओ, 2400 शेयर 2 रुपया के रेट से किया था 4800, ठीक है। फिर उसके बाद से इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 7200, ये आया 2400 इंटू 3 रुपया करके, और ये हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यानी ये फॉर फ्यूचर में पता है क्या जाता है, जो पैसा उससे हम रिसीव कर चुके थे उस मनी को यहां पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जो मनी उससे हम पहले ही रिसीव कर चुके थे, समझ रहे हैं ना मेरी बातें। तो हम इस मुखर्जी से कितना रुपया पहले रिसीव कर चुके हैं, मतलब एप्लीकेशन का ही तो सिर्फ वह पैसा हमें दिया था, और एप्लीकेशन उसने कितने शेयर्स के लिए किया था, 2880 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया था। कल मैंने आपको वर्किंग नोट नंबर 1 में बता दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला, मैंने बताया था 2400 इंटू 72/60, तो आया था 2880 शेयर्स, और 2880 शेयर्स का हमें वह कितना रुपया दिया था, 2 रुपया करके। तो यहां पर लिख देंगे 5760, ये कैसे आया 2880 इंटू 2 रुपया करके। बच्चों एक बात बताऊं, ये जो आप लोगों को शेयर्स हार्ड लगता है ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इतना आसान है। थोड़ा इसका स्टोरी समझो क्या है, हम दो पैसे को लिखते हैं, दो तरह के मनी को लिखते हैं क्रेडिट साइड में। एक वह मनी जो वह पहले दे चुका था, और जब हमने उसका शेयर फॉरफिट किया तो हमने उससे शेयर्स भी ले लिया, और उससे जो मनी वह पहले दे चुका था वह मनी भी अब हमारी ही हो गई, मतलब कंपनी की हो गई। तो वह पहले तो सिर्फ हमें इतना ही रुपया दिया था, वह हम ले लिए, पैसा भी ले लिए, शेयर्स भी छीन लिए उससे, ये हो गया 5760। और बाकी रिमेनिंग मतलब जो भी उसका कॉल्स इन अरियर्स था उसे हम लोग लिखते हैं क्रेडिट में। आप ये 3 लाइन नहीं लिख करके एक लाइन में लिख के खत्म कर सकते थे, क्या लिख करके, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट और तीनों अमाउंट को ऐड करके लिख देते तो भी आपका करेक्ट था, ठीक है, कोई गलती नहीं था। तो यहां पर अब इसका नरेशन लिख दो तुम लोग, बिंग 2400 इक्विटी, साथ साथ लिख लो इसको, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच फुल्ली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ allotment first call and final call money, ठीक है ना,
एच पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड, ये आप लिख लो। ये हम लोगों ने फॉरफीचर किया, किसका शेयर फॉरफीचर किया था इस समय? मुखर्जी का 2400 शेयर्स फॉरफिट किया। अब हम लोग चटर्जी का शेयर फॉरफिट करते हैं, ठीक है? चटर्जी, देखिए ध्यान दीजिए, चटर्जी का कितना शेयर था? 3000 शेयर था। चटर्जी का 3000 शेयर था, है ना? और उसका सिक्योरिटी प्रीमियम वाला स्टेज का पैसा दिया हुआ था, क्योंकि वह अलॉटमेंट में फेल नहीं किया था। सिर्फ वह फेल कब किया था? फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में। तो फर्स्ट कॉल में उसने हमें 3000 इंटू 2 रुपया करके नहीं दिया, 2 रुपया का रेट था फर्स्ट कॉल का, यानी 6000 रुपया हमें उसने पे नहीं किया। और फाइनल कॉल में हमें उसने पे नहीं किया 3 रुपया करके, 3000 इंटू 3 9000 रुपया हमें पे नहीं किया। और वह पहले कितना रुपया हमें दे चुका था, ये बात बहुत समझने की बात है। पहले हमें उसने कितने रुपये का पेमेंट कर दिया था? उसने हमें 2 रुपया पे किया था एप्लीकेशन का और 5 रुपया पे किया था अलॉटमेंट का, ठीक है ना? उसने हमें 2 रुपया पे किया था, 2 रुपया पे किया था एप्लीकेशन का और 5 रुपया पे किया था अलॉटमेंट का। उस 5 रुपये में 2 रुपया तो सिक्योरिटी प्रीमियम का था। अब उसका जब शेयर फॉरफिट होगा तो उसका प्रीमियम का पैसा भी तो गया, सब कुछ उसका फॉरफिट हो जाता है। तो यहां पर हम लोग वो प्रीमियम का रेट माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करें? क्योंकि प्रीमियम का पेमेंट वह पे कर चुका है। तो प्रीमियम का रेट था 2 रुपया इंटू कर दो उसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 30 अप्लाइड था ना उसका, एक मिनट, उसका अलॉटेड शेयर कितना था? यहां पर उसका एडजस्ट हो जा रहा है ना, अरे प्रीमियम का उसका पैसा तो एडजस्ट हो जा रहा है ना यहां पर। उसने जो हमें एक्सेस पैसा दिया था, एक्सेस पैसा 3600 से आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? सुनो मेरी बात ध्यान से, हम 3600 से मल्टीप्लाई तब करते जब वह प्रीमियम का पेमेंट फेल करता। वह प्रीमियम का जो एक्सेस पैसा दिया था उसको शेयर कंपनी ने कितना दिया था? 3000। और वह अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था? 3600। तो वह जो 600 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा 2 रुपया करके 1200 रुपया दिया था, क्या वह अलॉटमेंट वाले स्टेज में एडजस्ट नहीं हो चुका है? हो चुका है। तो वह पैसा जब एडजस्ट हो चुका है तो वह पैसे को लेकर के हम 3600 से अब क्यों मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? हम यहां पर सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से, उसका वह पैसा जो अलॉटमेंट वाले सॉरी जो एक्सेस पैसा हमें एप्लीकेशन के समय दिया था वह उसका पैसा तो एडजस्ट किया जा चुका है अलॉटमेंट वाले स्टेज में। आप नहीं समझ रहे हो, मैं एक बार फिर से बात को बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर मैं लिख के समझाता हूं आपको, साइड में ध्यान से देखो, ये चटर्जी है, इसको 3600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने उसे 3000 शेयर दिया, 600 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा वह दिया था, 2 रुपया करके दिया था, 1200 रुपया, ठीक है? कंपनी अलॉटमेंट के समय उसके ऊपर कितना रुपया का ड्यू बनाती है? अलॉटमेंट के समय 3000 शेयर्स उसको कंपनी ने दिया है तो 5 रुपया करके 15000 रुपया उसके ऊपर ड्यू बनाएगी, ठीक है? और उसके बाद से 1200 रुपया वह जो पहले दे चुका है ये पैसा एक्सेस शेयर का, वह तो एडजस्ट कर लेगी कंपनी रिसीव करते वक्त। कंपनी रिसीव करते वक्त उससे मांगेगी 13800 रुपीज। क्या वह 13800 रुपीज देने में कैपेबल है? दे चुका है।
तो उसका ये फेलियर 1200 रुपया जो एक्सेस दिया है उसका तो एडजस्ट हो गया ना अब कंपनी में, तो अब वह सिर्फ कितने शेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है अगली बार? 3000। उसका अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हम यहाँ पे लिखते तो ऑब्वियसली उससे मल्टीप्लाई करते, ये 2 रुपया माइनस भी नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। वह प्रीमियम का इतना पैसा जो उसका ड्यू बन रहा था अलॉटमेंट वाले डेट पे, वह पेमेंट तो कर चुका है 13,800 रुपया, क्योंकि वह अलॉटमेंट का स्टेज नहीं फेल किया था, समझ रहे हो ना। अलॉटमेंट का स्टेज फेल कौन किया था? मुखर्जी चटर्जी अलॉटमेंट दिया था, फर्स्ट कॉल में फेल किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कितना रुपया आएगा इंटू 3000, कितना आएगा 15,000 रुपया। अब आप इसको यहां पर एक मिनट ऊपर, हाँ ये अमाउंट तो पहले वाले का था, ये कितना आएगा आपका 30,000, ये ऐड करके आपका आ रहा है 30,000। इसको भी आप ये गैप करके मत लिखना, मैं तो पिछले सम्स में एडिट किया हूं इसलिए गैप हो गया, आप एक साथ लिखना। और यहां पे आप लिखोगे बिंग 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुल्ली कॉल्ड अप फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मनी एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड। ये पूरा आप कॉपी कर लो पहले, उसके बाद एक एंट्री और, दो एंट्री और बचेगा। एक बेटा मैंने लास्ट क्वेश्चन जो किया था ना उसी को मैंने 2 लाइन वहां से मिटा दिया एडिट करने के लिए कि मुझे दोबारा से ना लिखना पड़े, इसलिए ये गैप क्रिएट हो गया। आप गैप नहीं रखोगे, आप पूरा इसके बाद जस्ट यही लिखोगे। इसके बाद 2 एंट्री और होगा, एक री इशू का और एक कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर होता है उसका, फिर हम लोग नए सम जी। इसे मैं ऊपर वाले नरेशन से देख के लिख लो ना। देखिए हम लोग री इशू करने जा रहे हैं, री इशू हमने बैनर्जी को किया है, ठीक है ना। बैनर्जी नाम के एक नए शेयर होल्डर्स को फॉरफिटेड शेयर री इशू किया गया है। हमने कितना शेयर फॉरफिट किया था टोटल में? 2400 प्लस 3000 यानी 5400 शेयर्स हमने फॉरफिट किया था, और 5400 अब हम बैनर्जी को री इशू करने जा रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी जब री इशू करेगा तो उसे पैसे मिलेंगे, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट ये हो जाएगा 5400 शेयर्स। आपको याद रहना चाहिए ना कि 5400 कहां से आ रहा है, 5400 इंटू 8 रुपया करके कितना होगा 43,200 रुपीज। उसके बाद है आपका यहां पर जो शेयर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स यहां पर 10 रुपीज करके। तो जब हम री इशू कर रहे हैं तो यहां पर, अब सेकेंड हैंड चीज है तो फुल प्राइस पे तो बिकेगा नहीं ना, है ना। तो यह कितने रुपए में बिक रहा है,
8 रुपए में। 2 रुपए का लॉस कंपनी फेस कर रही है। 2 रुपए के लॉस को लिखेगा इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बोल करके, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ये हो जाएगा आपका 5400 इंटू 2। ये 2 रुपया कौन सा 2 रुपया है? लॉस 10 माइनस 8, 2 रुपए का लॉस कितना आएगा? 10,800 रुपया। ठीक है, उसके बाद से देखो कंपनी यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। दोनों को आप ऐड करके बोलो कितना आएगा? 54,000 यहां पे लिख देंगे बिंग। 5400 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 एच रीइश्यूड टू न्यू शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ रुपीज 8 इंच फुल्ली पेड। इस 8 रुपया को यह फुल्ली पेड मान लिया गया है, फुल्ली पेड एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड। अब देखो आप थोड़ा कैलकुलेटर अपने हाथ में रखोगे तो बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, लास्ट एंट्री कंपनी क्या करता है? अपने कैपिटल रिजर्व में प्रॉफिट को ट्रांसफर करता है। आप देखो कंपनी यहां पर 10,800 रुपए का नुकसान तो कर रहा है, लेकिन अल्टीमेट कंपनी फिर भी फायदे में है। पूछिए कैसे? आप लोग जब 2 फॉर फ्यूचर का जर्नल एंट्री किए हैं, पहला फॉर फ्यूचर के जर्नल एंट्री में आप क्रेडिट साइड में इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखे हैं, वहां पर अमाउंट कितने रुपए का लिखे हो? एक जन बोलो 5760। दूसरा जब आप फॉर फ्यूचर का एंट्री किए हो तो उसमें क्रेडिट साइड में इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर के बगल में कितना का अमाउंट है? 15,000 का। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पैसा आप क्रेडिट साइड में लिखे थे यह क्या था? कंपनी को प्रीवियस शेयर होल्डर लोगों ने, दैट मींस मुखर्जी और चटर्जी ने पहले ही पे कर दिया था। कंपनी ने उनसे मार्केट शेयर भी लिया और वह पैसा भी उनको नहीं दिया। तो कंपनी को यह जो पैसा शेयर का शेयर मिल गया और जो पैसा मिला था वह भी रख लिया, तो ये जो पैसा मिला था और रख लिया ये तो पूरा का पूरा कंपनी का क्या है? प्रॉफिट है। उस उतना रुपए का कंपनी प्रॉफिट किया फॉरफीचर होने के वक्त, समझ आया? और फॉरफीचर के बाद जब वह रीइश्यू कर रहा है तो उसने 10,800 रुपए का नुकसान का सामना करना पड़ा। तो इस दोनों अमाउंट को ऐड करके हम अगर 10,800 माइनस कर दें तो अल्टीमेट कंपनी का फॉरफीचर से कितने का फायदा हुआ ये पता चल जाएगा। जितना जी, ये तो मोबाइल नंबर लग रहा है 9960, समझ में आ रहा है ना? इतने रुपए का कंपनी का फायदा हुआ और यह पैसा कंपनी अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये लास्ट एंट्री करेंगे फिर न्यू सम पे। जी जिस स्टेज में होता है उस स्टेज में लेते हैं। रीइश्यू प्रीमियम में थोड़े हो रहा है, तो और कम में हो रहा है। हाँ, 8 से ज्यादा होता तो ही प्रीमियम हो जाता, क्योंकि यहाँ फुल्ली पेड 8 रुपया है, समझ गए ना? सम्स में बोला है 8 रुपया फुल्ली पेड। दूसरे का क्वेश्चन अपना क्वेश्चन मत बनाओ, पहला बात। ठीक है, नहीं उसका वो कंफ्यूजन तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन जनरेट हुआ था, तुम सीधा ये समझ गए हो ना फंडा? जब आएगा ऐसा चीज, इतना सारा क्वेश्चन 26-27 क्वेश्चन है, कभी ना कभी जो तुम पूछने वाला हो आएगा, तो अभी उसमें दिमाग लगा के फायदा नहीं है ना, है ना? देखो अब नेक्स्ट एंट्री कर दो, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। ये कैपिटल रिजर्व में कैसे रुपया जाएगा? ये आपका प्रॉफिट है 5760 का, ये आपका 15,000 का प्रॉफिट है, और फिर आपका 10,800 रुपए का लॉस हुआ है फॉरफीचर पे रीइश्यू करते वक्त, ये लॉस है। तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली आपका 9960 का।
लिख देंगे हम लोग बिंग प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. अकाउंट देखो री इश्यू कितने में किया था, सुन ले अब, सुन री इश्यू कितने में किया था, 8 रुपया में ना दूसरी बार. तो री इश्यू के 8 रुपया के पास क्वेश्चन में लिखा फुल्ली पेड, मतलब बनर्जी के लिए 8 रुपया ही फुल्ली पेड है, उसके लिए 10 रुपया नहीं मांगा जाएगा, उसके लिए शेयर का दाम 8 रुपया है. ठीक है, अब अगर उससे 8 से ज्यादा कंपनी मांगती है, 10 मांगती है, तो उसको फेस वैल्यू नहीं समझेंगे. 8 उसका फेस वैल्यू है बनर्जी के लिए और प्लस 2 रुपया मांगता तो वह उसका प्रीमियम होता. ठीक है, यही बोल रहा है वो, अभी ऐसा समझ आएगा फ्यूचर में. अब लिख लो, अब नया सम्स करेंगे जी. हाँ, क्योंकि 2 रुपये का लॉस हुआ था ना कंपनी को, यही पूछ रहे हैं ना आप. 10 रुपये का चीज दूसरी बार वो 8 में उसको इश्यू करना पड़ रहा है. 10 से फेस वैल्यू से करते हैं. चलिए अब नए सम पे आते हैं. नहीं नहीं, वो सब दिन गया. आप लोग पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, ये बहुत बड़ा सम भी नहीं है कि आज हाफ होगा, वो पूरा खत्म कर लेंगे हम लोग. ठीक है जी, नहीं मैं करा रहा हूं अभी, ध्यान दीजिए. और अब जो लोग कल नहीं आए थे उन लोग ध्यान से सुन लो, यहां पर कंपनी क्या करेगा, अपना शेयर्स इशू करेगा तो पैसा मिलेगा कंपनी को, जर्नल एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि पहली स्टेज में कंपनी को सिर्फ एप्लीकेशन का ही पैसा रिसीव होता है. आप लोग 12th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, कुछ याद है, नहीं याद है, जिनको याद नहीं है वो लोग आकर जरूर से पहला क्लास का वीडियो देखो. ठीक है ना, और उसके बाद से आप सेकेंड करोगे. हाँ, क्योंकि मैंने तो कल लास्ट क्लास 1 घंटा सिर्फ समझाया था कैसे एडजस्टमेंट्स होते हैं.